मेरा नाम परवा देवी। आपके परिवार से भी कोई? सारा परिवार है भाई, जेठ है, मेरा जेठ का लड़का है, दूसरा जेठ है उसका लड़का है, देवर है, देवर का लड़का है, सारा गांव हमारा गांव के रहते हो, सारा गांव है हमारा। कितना सहन करेंगे, एक होता तो हम सहन भी कर लेते, इतना सहन कौन कर पाएगा भाई। कैसे हम घर में जाएंगे, कैसे हम कैसे करके दिखाएंगे गांव वालों को मुँह। केवल दो लड़के गांव में छोड़ रखे, बाकी सारे आ गए। मेरे जिठान भी पागल हो के आ रखे, दुराने भी मेरे नणा सारे नणंद आ रखे, सारे रिश्तेदार आ रखे। कितने सहन करेंगे भाई हम, कितना सहन। बारात में गए थे हम, खुशी खुशहालों से गए थे, आप भी बूढ़े गए, हम इतने बूढ़े हो गए। आज दिन तक इतनी गाड़ी दिखी तुमने कभी भी इतनी गाड़ी दिखी? घाट पे एक आध आदमी मुर्दा आता है, लेकिन इतनी गाड़ी भर भर के कभी नहीं। कितने हौसला बढ़ाएंगे हम, कितनी हिम्मत मानेंगे हम। बिल्कुल हिम्मत से हार हो गए भाई, हिम्मत से हार हो गए हम, तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मेरे जवान लड़का है, 25-25 साल के लड़के गए, 25-25 साल के गए हैं, दो लड़के 25-25 साल के हैं, देवर है, दो जेठ हैं। बल हाँ, मेरा लड़का भी गया था, सबसे बड़ा वाला, पर वो गाड़ी से निकल गया। पता नहीं किस परमात्मा ने किसके भाग्य से मेरा लड़का पहले ही निकल गया, मेरे जिठानी का मेरा लड़का पहले ही निकल गया। कुछ कहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, सड़कों को लेके या सुविधा को लेके सरकार से कोई मांग? हाँ, यही तो हमारे यहाँ रोड का नहीं है बिल्कुल भाई, सड़क के बारे में इतनी परेशान है कि बहुत ही ज़्यादा। सड़क बिल्कुल नहीं है हमारे गाँव में, कितने साल हम नेता पेता आते हैं, वोट दो, हम गाँव वाले को धमका के चले जाते हैं, वोट दो। कोई बोलता तुम्हारा राशन कार्ड कट जाएगा, कोई बोलता है कुछ कट जाएगा, और फिर हम चल जाते हैं वोट देने के लिए। अभी तक किसी ने हमारे समय से नहीं देखे कि हाँ गाँव में ये लोग कैसे रहते हैं। हमारे समय से भी तो देखो, हम वोट देने को कहाँ, अब तो थोड़ा सुविधा हो गई, नहीं तो हम यम केसर गए वोट देने के लिए। यम केसर गए जब रैली निकलती है। आशीष मोदी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यम केसर तासला ग्राम सभा से, जहाँ से हमारे 5 लोगों का निधन हुआ है, और यमकेश्वर के तासला के जो ग्राम सभा है ये पयाल डांगी, तो यहाँ से हमारे 5 परिवार, जिसमें 2 युवा भी थे और 2 50+ थे, उनका निधन हुआ है। बहुत हृदय विदारक घटना है, और वहाँ के रेस्क्यू टीमों को, स्थानीय ग्रामीणों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने सरकार शासन से पहले भी उनसे पहले ही वहाँ पहुँच कर उनकी मदद की। कुछ लोगों का रेस्क्यू करके अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें हमारे गांव के 1-2 युवा भाई भी हैं। ये बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं पहाड़ों पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं, नई बात नहीं है, इस तरह का हादसा आए दिन लगातार होते रहते हैं, क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? क्या रास्तों में या बस को लेकर फिटनेस वगैरह कुछ ऐसी मांग? देखिए, बस की फिटनेस की बात तो अलग है, ये है कि अब सरकार से हमारी क्या मांग है, वो तो सदियों से चली आ रही है। सरकार को भी पता है, अंधी तो है नहीं सरकार, उनको पता है क्या रोडों की क्या स्थिति है। आप देखो कि कहाँ ये घटना हुई और कहाँ रेफ़र करके, कहाँ हायर सेंटर रेफ़र इन्होंने बना रखा है। तो लोकल में ही अगर वहाँ मौके पर अगर पहुँच जाता है DRF, अब आप सुनने में ये भी आया कि DRF काफ़ी देर पहुँचे, इससे पहले तो वहाँ ग्रामीण पहुँच गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या है, अब सड़कों का देख लो आप, स्वास्थ्य की वही स्थिति है, इसी वजह से ये है। कहीं ना कहीं कुछ जाने बच भी सकती थी, हो सकता था। अब ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि किसी को मौके पर अगर नहीं मिला इलाज तो क्या पता वो तड़प के रहा होगा वहाँ। ये स्थिति। विजेंद्र, कहाँ से आप? हम आए कोरा से, लाल बांगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। कहाँ से आए आप? आए कोरा से। आज यहाँ अंत्येष्टि हो रही है, लालहन में घटना हुई, बराज की घटना। बराज की घटना हुई ऊपर कान गांव में, जहाँ बराज आए थे वहाँ सब वहाँ, और कोरा में रह गए सब बोली कोरा में, और बहुत से मरे हुए हैं, अब बाकी घर है। कितने लोग गांव के? गांव के 5 ये है, 5 हमारे हैं, 3 भाई हैं, काका बारांगे 2 भाई, और उस कि मेरा भाई पिछड़ा एक ही है। लड़का ने मेरा कोद मार दिया, वह अंदर में लड़का अंदर था, उसने कोई मार दिया तो वो किनारे पड़ गया। 2 लड़के पड़े हमारे बाहर, उन्हें कहाँ तोड़ा बहाने बन गए 2 बच्चे हमारे, सर उन पर चोट लगी है, चोट लगी है, तो आप जरा थोड़ा आराम,
मेरा इलाज है ना वहाँ वहीं ऊपर जहाँ बस भी निकालने इलाज। चाचा जी नाम नाम बताओ। नाम मेरा नाम आरती है। मेरे चाचा जी का नाम रमेश है और दूसरे चाचा जी का नाम श्री सोहन लाल, तीसरे का बिरजलाल, उसमें एक भाई अमन और एक भाई श्री सुमन। उनकी डेड बॉडी आई थी, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अपनी आंखों के सामने मैंने कोटदार में सब डेड बॉडियाँ देखी और वहाँ पे हॉस्पिटल में भी मुझे कोई वो नहीं मिला। बहुत परेशान रहे हम भाई। जो क्या कहते सरकार से, क्या कहते सरकार से यही वो है, जितने भाई हैं हमारे जिला प्रशासन से भी यही वो है, हमारे भाइयों को आगे नौकरी देने का, रोजगार देने का वो सोचे हैं और बहुत परेशान है वहाँ पे। वहाँ की जनता आर्थिक सहायता